Voi mi fanno una morte tirana, morte, la luna tirana, provo gli altri parla di solo sangue, mangalando rovando vita, mangalando d'amore, mangalando con condanno, c'è una nostra mangalando, sarva mangalia, mangalia, sarva kalyan karkam, vadhanam sarva dharmanam, c'è una vietu sasana. ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षणं चैव ओंकाराय नमो नमः नमोऽस्मि साराय स्वामी भक्तिप्रकाशाय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तर्चने अग्नान्तिमिरन्धानां ज्ञानार्जन सदाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानार्थं करोति किम् प्रभावस्य कर्तात्मा मोहयम्य भारे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विना नमोता ही चाहते भय हरिहंता दि महान ओम नमो सिद्धेभ्यो नमो सिद्धेभ्यो नमो सिद्धे महावीर भगवान के शासन में कुमकुमाचार्य भगवान के आगमन में अमृतचंद्राचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का पुनर्जन्म स्वर्ण महिमा हुआ। यह पुनर्जन्म वसुधा का वरदान बनकर आया। महावीर परमात्मा के जन्मदिन पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो पुनर्जन्म हुआ, इस बात का द्योतक है कि पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के द्वितीय महावीर हैं। उस दिन सही मायने में द्वितीय महावीर का जन्म हुआ, जिनके जन्म से भरत क्षेत्र धन्य हुआ, स्वर्ण परि महाविजय हुआ, सुधात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात, त्रिकाधर परमात्मा की बात, ढंके के चोट पे जहां से प्रसारित हुई, मानव महाविजय के कण कण भरत क्षेत्र के अंदर में फैल गए। और जहां पर के भगवान आत्मा की बात होती हो, वही सुंदर। इस भगवान आत्मा की बात के दातार, इस भगवान आत्मा के स्वरूप को बतलाने के दातार पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में अपन सबको सुधात्मा की बात को समझते हुए, भगवान आत्मा की बात को समझते हुए, अनंत काल में जिस भगवान आत्मा का परिचय नहीं किया, उसका परिचय का सुवर्ण काल पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में आया। आज जगत के भव्य जीव दृष्टि का विषय क्या है, सुधात्मा जो दृष्टि का विषय है, निश्चय नहीं का विषय है, अनुभूति का विषय है, वो कैसा शुद्ध है, इसकी चर्चा करते हुए, वस्तु की व्यवस्था को समझते हुए, अभेद स्वरूप को अपनापन में लाते हुए, अभेद वस्तु को अभेद भाव से देखते हुए, अभेद रूप परिणमते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, ऐसा विधान इस पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलमय वाणी से प्रवाहित हुआ। यह ये वाणी है जो सिमंदर भगवान के पास से चली थी, कुनकुन आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव के माध्यम से भरत क्षेत्र में आई थी। उसी वाणी के प्रवाह में पूज्य गुरुदेव श्री भी महाविदेह से आए और इस वाणी के प्रवाह में प्रवाहित होकर अपने स्वभाव के अंदर में लीन रहते हुए, स्वभाव के अंदर में मग्न रहते हुए, स्वभाव के अंदर में ढीम होते हुए दृष्टि का विषय ऐसा भगवान आत्मा अपने को बतलाया। जब गुण की बात की तो गुण भेद को द्रव्य छूता नहीं, ऐसी बात की। जब पर्याय की बात की तो द्रव्य पर्याय से सर्वथा जुदा है, पर्याय को ही छूता नहीं। गुण के अंदर में तो भेद की बात रखी, लेकिन पर्याय के अंदर में भिन्न सत्ता कहकर, पर्याय सत्ता, भिन्न सत्ता और द्रव्य सत्ता, महान सत्ता कहकर, स्वभाव का महिमा बतलाकर द्रव्य स्वभाव के अंदर में ले आए। अब जब द्रव्य स्वभाव के अंदर में ले आए, जिसने इस वस्तु की व्यवस्था को समझकर, अभेद अवैध अनादि अनंत व्यवस्था को समझकर उसमें अपनापन जहाँ किया, तो जो अनुभूति प्रकट हुई, वो अनुभूति कैसी होती है, ये ज्ञान के अंदर में, ज्ञान के विश्व के अंदर में क्या घटता है,
वो ज्ञान का जो विश्व है वो द्रव्य को छूता है कि नहीं छूता है, इसकी अद्भुत बात बीसवें बोल में, अलिंग ग्रहण के बीसवें बोल में आचार्य भगवान ने जो की है वो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है कि पर्याय की व्यवस्था भी प्रभु ऐसी है कि पर्याय अपने विश्व से बाहर नहीं जाती है। पर्याय का अपना खुद का बना बनाया विश्व है। वो ज्ञान के अंदर में इस विश्व मौजूद रहता है, ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण नहीं करता, एक रूप रहता, अपने आकार रूप रहता, स्वाकार रूप होता हुआ एक रूप रहता हुआ ये ज्ञान वैभव कैसा है, ये ज्ञान स्व आत्मा अनुभूति स्व आत्मा कैसा है, उसका विवरण पूज्य गुरुदेव श्री बीसवें बोल में कर रहे हैं। बोलते हैं आज अपन बीसवा बोल शुरू करेंगे, 19 चले, 14 दिन से चल रहा है, 20 बोल 14 दिन से चल रहा है, बुधवार से शुरू किया था, बीच में बहुत अधिकार सूक्ष्म आ गया, भाई मारगड़ा इतना सूक्ष्म है। अब यहाँ कहते हैं लिंग याने, अब बीसवा बोल पृष्ठ संख्या 169, लिंग अटले के लिंग याने के प्रत्यभी ज्ञान का कारण ऐसा भाषा भी कभी कान पे न पड़ी हो, संसार के डाया और संसार के होशियार ये संसार में उंडा जाने वाले हैं प्रभु। यहाँ तो ऐसी बात है बापा, ये आत्मा का डाया हो, आत्मा का होशियार हो उसकी बात है, क्या कहे क्या करे। लिंग याने के प्रत्यभिज्ञान का कारण, याने वो कल था वही आज है, आज था वो कल है, ऐसा भगवान आत्मा। फिर उदाहरण देते, एक मानस को, एक व्यक्ति को कल देखा हो तो कह मैं कल देखा था वो यही, कल था वो यही, ऐसे आत्मा कल था ये यही है अभी। प्रत्यभिज्ञान का कारण यानि है सो है, जो है कल था वो अभी है, ध्रुव, समझ में आया। ऐसा जो प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान यानि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आता है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में है ना, गोपाल दास जी बरैया उसने इनका खुलासा किया है। यहाँ तो अध्यात्म में प्रत्यभिज्ञान यानि ये आत्मा कल था आज है, आज है वो कल रहेगा, ऐसा अनंत काल रहेगा। भगवान आत्मा कल था, भगवान आत्मा आज है, भगवान आत्मा अनंत काल रहेगा, ऐसा जो प्रत्यभिज्ञान का कारण है। अब उसका भी स्पष्टीकरण, एक बेसिक बात कहकर अब कहते हैं लिंग यानि के प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण है, यानि कि अर्थावबोध सामान्य। इसके आगे अर्थावबोध विशेष की बात थी, यहाँ अर्थावबोध सामान्य की बात है। वहाँ विशेष के अंदर में गुण लिया, विशेष के अंदर में पर्याय ली, या सामान्य में ध्रुव लेंगे। अर्थावबोध सामान्य गजब बात है, अर्थ यानि कि पदार्थ, जो सामान्य त्रिकाली द्रव्य भगवान त्रिकाली द्रव्य है वो जिसको नहीं है, हम उसकी बात करेंगे कि जिसको वो त्रिकाली सामान्य द्रव्य जो है, ध्रुव जो है, जो उसको नहीं है। प्रभु अभी तक तो आप बात कुछ और कर रहे थे, द्रव्य में गुण नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कि आज उस द्रव्य, जिस द्रव्य त्रिकाली द्रव्य सामान्य द्रव्य ध्रुव द्रव्य जिसके लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा द्रव्य ऐसा सामान्य वो जिसको नहीं है। अब किसको नहीं है उसका वर्णन करेंगे। देखिए ज्ञान जैसे श्रद्धा की व्यवस्था अद्भुत है, ऐसे ज्ञान की व्यवस्था भी अद्भुत से अद्भुत है। श्रद्धा के अंदर में लक्ष्य एक का होता है, अनुभूति के अंदर में ज्ञान दो का होता है। अब जब दो का ज्ञान होता है तो क्या होता है उसका वर्णन करते हैं। ये त्रिकाली द्रव्य आत्मा में नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में गुण नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है। अब यहां पर कहते हैं ये त्रिकाली द्रव्य आत्मा में नहीं है, कौन सा आत्मा, सांभो सुनो भाई, उनका स्पष्टीकरण आस्ते आस्ते आएगा, ये कोई वार्ता कथा नहीं है, तो भागवत कथा, आत्मा के भागवत स्वरूप की कथा है।
कहते हैं लिंग यानि कि प्रत्यभिज्ञान का कारण यानि ये था ये है कल था वो यह है ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली सामान्य एक समय की पर्यायी बिना का त्रिकाली सामान्य एक समय की वर्तमान दशा बिना का त्रिकाली सामान्य ऐसा जो ग्रहण यानि कि अर्थाव बोध सामान्य वो जिसको नहीं है वो आत्मा में द्रव्य नहीं है ध्यान रख जो कई अपेक्षा या वाच है वह अलिंग ग्रहण है। मैं पहले थोड़ा गुरुदेव को पढ़ जाता हूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। अर्थाव बोध सामान्य वह जिसको नहीं है, यहां क्या कहना है कि सामान्य जो ध्रुव है उनका भान हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, शांति आनंद का वेदन हुआ, सम्यक दर्शन होते ही अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ। समझ में आता है कुछ? सम्यक दर्शन होते ही अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, सम्यक दर्शन होते ही अनंत गुण का अंश व्यक्तपने प्रकट हुआ, ते सर्वगुणांश ते समकित, ते सर्वगुण का अंश जो प्रकट हुआ उसको प्रतीति में लिया, ये तीन काल को लिया उनका नाम सम्यक दर्शन। ऐसी जो सम्यक दर्शन की पर्याय में आनंद का जो वेदन आया, ये आनंद का वेदन आत्मा को स्पर्शता नहीं है। क्या कहते हैं प्रभु? सुनो थोड़ी बात। जो सामान्य ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव है, एक रूप वस्तु जो है, अनादि अनंत भरपूर वस्तु है, अनादि अनंत पूर्ण सत्ता जो है, पूर्ण स्वभाव जो है, त्रिकाली द्रव्य जो है, जिनके लक्ष्य से, जिनमें प्रसरने से, जिसमें फैलने से, जिनके सन्मुख होने से, जिनमें तादात्म्य होने से जो सम्यक दर्शन के परिणाम प्रकट हुए, सम्यक ज्ञान के परिणाम प्रकट हुए, सम्यक चारित्र का परिणाम प्रकट हुए, वो ज्ञान के साथ में प्रचुर स्वसंवेदन में आनंद आया, आनंद की अनुभूति हुई, रोम रोम पुलकित हुआ, द्रव्य पर्याय का ज्ञान हुआ, दोनों का एक साथ में ज्ञान हुआ, और वो जो आनंद का वेदन हुआ वो वेदन आत्मा में नहीं है, माने द्रव्य में नहीं है, माने त्रिकाली में नहीं है, माने पर्याय के अंदर में जो वेदन आया आनंद का, वो पर्याय में से आया हुआ आनंद था, त्रिकाली से वो आनंद नहीं आया। किसी अद्भुत बात है प्रभु, सुन एक बार, कि जिस ज्ञान पर्याय ने ज्ञायक को जानकर, जिन श्रद्धा ने ज्ञायक में अहम करके मैं ज्ञायक हूँ ऐसा प्रसारण पूरे स्वभाव के अंदर में हुआ, तादात्मपना हुआ, और जो अनुभूति हुई, आनंद आया, आत्मा का ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान हुआ, तो उसके अंदर में आत्मा का सामर्थ्य तो आया, लेकिन आत्मा नहीं आया, त्रिकाली द्रव्य नहीं आया। अनुभूति हुई तो परिणामी हुआ, अपरिणामी प्लस परिणाम दोनों का ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ दोनों का, लेकिन अपरिणामी उस परिणामी पने में आया नहीं, क्योंकि जो परिणामी द्रव्य है वो जो अनुभूति जो है उसमें पूरा आत्मा है, माने जो अनुभूति में आया सो आत्मा है, जो अनुभूति में आया सो मैं हूँ, जो वेदन में आया सो मैं हूँ, वेदन में आया सो मैं हूँ, उसके अंदर में अवेदक आया नहीं, क्योंकि अवेदक का वेदन हो तो कैसे? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अवेदक है, उसका वेदन नहीं हो सकता। जिसका वेदन होता है उसका अवलंबन नहीं होता, और जिसका अवलंबन होता है उसका वेदन नहीं होता। त्रिकाली का अवलंबन होता है तो त्रिकाली का वेदन नहीं होता, और पर्याय का वेदन होता है तो पर्याय का अवलंबन नहीं होता। लक्ष्य द्रव्य का, लक्ष्य ध्रुव का, दृष्टि ध्रुव पे, अहम ध्रुव पे, और इधर में आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो जो अनुभूति में आया सो मैं हूँ, सो आत्मा है, वो आत्मा द्रव्य को छूता नहीं है, वो आत्मा में द्रव्य आता नहीं है। मैंने
द्रव्य और गुण की बात तो समझ में आती है कि द्रव्य एक है, गुण अनेक है। द्रव्य और पर्याय की बात भी समझ में आती है कि द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। लेकिन द्रव्य गुण को स्पर्शता नहीं, द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं, आत्मा आत्मा को स्पर्शता नहीं, ऐसी बात तीसरी बात है। मैंने अनुभूति में आया सो आत्मा, वो त्रिकाली आत्मा को स्पर्शता नहीं है। लक्ष्य त्रिकाली आत्मा का, दृष्टि त्रिकाली आत्मा की, अहम त्रिकाली का, लेकिन जिस वक्त अहम किया और अनुभूति हुई, बस मैं आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। अभेद रूप अनुभूति होती है, द्रव्य स्वरूप अनुभूति होती है। जैसा सामान्य स्वरूप है, स्वरूपाकार परिणमन होता है, बस वो जो अनुभूति में आया सो मैं हूँ, अपने को अपना अनुभव हुआ, भेद विकल्प नहीं है, तो भेद नहीं पड़ता अंदर में। अभेद वस्तु, उसकी अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि से नया उत्पन्न होता हुआ क्षणिक अभेद, वो अभेदपने रहते हुए, अभेदपने परिणमते हुए, अभेदपने को व्यय को प्राप्त हो जाती है। दृष्टि ही अद्भुत होती है और अनुभूति अनुभूति भी अद्भुत होती है। ज्ञान का विश्व ही ऐसा होता है कि उस ज्ञान के विश्व के अंदर में बाहर का कुछ समाता नहीं है। उसलिए कहा गया कि ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय की सापेक्षता में ज्ञेयाकार कहा जाए, लेकिन आत्मा ज्ञेयाकार नहीं होता। और ज्ञायक की सापेक्षता में ज्ञानाकार कहा जाए, तो वो तो ज्ञानाकार है, स्वयं का आकार है, स्वयं है। ज्ञान के अंदर में जो कुछ भी हो, ज्ञान शरीरी का विश्व है। ज्ञान का अपना खुद का बना बनाया भगवान है। ज्ञान ने अपने सामर्थ्य से, अपने वैभव से, अपनी समृद्धि से, अपनी कला से अपना गायक की रचना की है, और अपने गायक की रचना करते हुए अपने गायक को वेदता है, त्रिकाली को नहीं वेदता। मैंने अनुभूति भी ऐसी धन्य होती है कि जिस अनुभूति के अंदर में बस जो अनुभव में आ रहा वो मैं हूँ, परिणामी हो गया। कर्ता कर्म का अनन्यपना, द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म ऐसा नहीं, पर्याय कर्ता और पर्याय कर्म ऐसा नहीं, कर्ता कर्म का अनन्यपना, परिणामी कर्ता और परिणामी कर्म, ऐसी अद्भुत स्थिति अनुभूति के अंदर में होती है। श्रद्धा एक का रहता है, लेकिन ज्ञान दोनों का होता है। द्रव्य पर्याय का पूरा ज्ञान होता है। ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है जिसके हृदय के अंदर में दोनों का ज्ञान बसता है। वो द्रव्य रूप परिणमित हो गया, लेकिन उसमें द्रव्य आया नहीं। लेकिन वो ज्ञान के विश्व के अंदर में ज्ञान ने अपने जो ज्ञायक की रचना की, उस ज्ञायक को वेदती है, क्योंकि वो ज्ञायक का पूरा सामर्थ्य है। ज्ञायक का पूरा सामर्थ्य है, उसको वेदती है। अब क्या गुरुदेव श्री क्या कहते, देखे सम्यक दर्शन की पर्याय में आनंद का जो वेदन आया, ये आनंद का वेदन आत्मा को स्पर्शता नहीं है। यहां आत्मा माने द्रव्य। जो सम्यक दर्शन के अंदर में पर्याय में आनंद का जो वेदन आया, वो आनंद का वेदन आत्मा को स्पर्शता नहीं, माने द्रव्य को स्पर्शता नहीं। वो आनंद का वेदन मैं हूं, मेरे को हो रहा है वेदन आनंद का, बस वो वहीं पर आत्मा है। उससे बाहर जो आत्मा है, उसको ये आत्मा, उस आत्मा को स्पर्शता नहीं, मैंने द्रव्य द्रव्य को स्पर्शता नहीं, परिणामी द्रव्य अपरिणामी द्रव्य को स्पर्शता नहीं। क्या कमाल की चीज है, क्या अपनी अद्भुत व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था, क्योंकि निर्विकल्प है अनुभूति, निर्विकल्प है। अब निर्विकल्प अनुभूति के अंदर में ये भेद और ये भेद ऐसा कुछ भी, बस जो है सो मैं हूँ। प्रभु वस्तु को वस्तु के स्वभाव से एक बार देख ले, यही पर्याय का शुद्धपना है, यही पर्याय की अनुभूति है, यही मोक्ष मार्ग है। अकारण परमात्मा, अवेदक परमात्मा, अकर्ता परमात्मा, त्रिकाल अकर्ता अकारण परमात्मा ही रहता है। वो ऐसी अनुभूति, ऐसा जो आत्मा है, वो आत्मा को स्पर्शता नहीं है। मने ज्ञान का विश्व है, वो दृष्टि का विषय था,
गुण की बात, पर्याय की बात, वो जो दोनों 1819 बोल था वो दृष्टि का विषय था। यह आत्मा की अनुभूति हुई, ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अनादिकाल से नहीं प्रकट हुआ था ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ। वो ज्ञान के अंदर में बस वो ज्ञान ज्ञायक है, वो ज्ञान ज्ञायक है, ज्ञान में ज्ञायक है ऐसा भी उस समय नहीं होता, ज्ञान ज्ञायक है, बस ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ऐसी अद्भुत स्थिति अनुभूति के अंदर में होती है। कहते हैं गुरुदेव श्री, पहला ऐसा आया था ना, द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं, अब यहाँ पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं। सूक्ष्म बात है भाई, क्या कहते हैं, भगवान शुद्ध चैतन्य वस्तु जिन सोई आत्माएं आवी गयी ना, समय सार नाटक में आता है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन पण मत मदिरा के 500 मत वाला समझे न। घट घट अंतर जिन वसे, भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु जिन स्वरूप विराजमान है, शक्ति है, हो शक्ति है, स्वभाव है जिन स्वरूप भगवान आत्मा का है। घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जैन, जैन कोई बाहर की क्रियाकांड में नहीं है, वो राग की एकता को तोड़कर स्वभाव की एकता होनी और आनंद का अनुभव हुआ, उनका नाम जैन कहने में आया है। जैन किसको कहा, बाहर की क्रियाकांड में जैन नहीं है, राग की एकता तोड़कर स्वभाव की एकता होना, राग की एकता तोड़कर स्वभाव की एकता होना और आनंद का अनुभव होना, आनंद नो अनुभव थवो, एनु नाम जैन कहवामां आवे छे, उसका नाम जैन कहने में आता है। राग की एकता टूट जाए, स्वभाव की एकता हो जाए। अब स्वभाव की एकता किसको कहें, जिसमें आनंद का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव हो, निज का अनुभव हो, निज में निज बसे, बस स्वयं जीन है, वो जीन का अनुभव जिसको हुआ वो जैन है, निज जैन का अनुभव जिसको हुआ, निज जीन का अनुभव जिसको हुआ वो जैन है। प्रभु ऐसे जीन स्वरूप अपने परमात्मा को पहचान कर, उसको जान कर, उसको समझ कर, उसके अंदर में लीन हो नाथ। ये देखिए आत्मा की अनुभूति भी कितनी अद्भुत है। लक्ष्य करे द्रव्य का, अनुभूति होवे ज्ञान में, और ज्ञान ज्ञान का ही विश्व बना रहे, वो त्रिकाल ज्ञायक वो ज्ञान में नहीं आता, आता है लेकिन नहीं आता, स्पर्शता है लेकिन कहता है अस्पर्श है। अनुभूति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आता है, दृष्टि के विषय से देखा जाए तो नहीं आता, अनुभूति से देखा जाए तो बस पूरा आत्मा है, अनुभूति सो आत्मा, वो आत्मा है, बस वो आत्मा है, वो मैं हूँ, जो आनंद का वेदन हुआ सर्वांगी असंख्य प्रदेश के अंदर में, वो मैं हूँ, बस वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसी अनुभूति रहती है बस। तो उसमें आया ज्ञायक, अभेद स्वरूप ज्ञायक, अभेद रूप ज्ञायक अनुभूति में आया, और अनुभूति से आनंद का वेदन हुआ, बस जो आनंद का वेदन हुआ सो मैं, जे वेदाई छे ते हूँ, स्वसंवेदन हुआ बस उसी की मस्ती रहती है ज्ञानियों को। और जहाँ आनंद का वेदन हुआ वहाँ से बाहर निकला तो जो प्रतीति उत्पन्न हुई श्रद्धा की, वो अब अनंत काल तक सतत धारा प्रवाह रूप रहेगी, वो किसी भी क्षण किसी भी समय ध्रुवात्मा को नहीं छोड़ेगी, मैं परमात्मा है भाव कभी छूटेगा नहीं, और फिर मैं परमात्मा के लक्ष्य से फिर अनुभूति, फिर आनंद के ढगले, जो अनुभूति में आया सो मैं, अभेद रूप, अभेद रूप अनुभव, भेद दिखता नहीं है अनुभूति के अंदर में, क्योंकि अनुभूति निर्विकल्प होती है, भेद विकल्प में होता है, भेद जहाँ मन होता है वहाँ पे भेद होता है, जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वहाँ अभेद होता है, वहाँ वस्तु होती है, वहाँ स्वयं होता है। तो ये गुरुदेव श्री कहते हैं
अब यहाँ ऐसा कहते हैं कि जो प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण यानी त्रिकाली द्रव्य जिसको नहीं है। दृष्टि का विषय हमेशा सुरक्षित ही रहना चाहिए। दृष्टि का विषय यानी कि द्रव्य जो है, परमात्मा जो है, परम पारिणामिक भाव जो है, वो यदि पर्याय में आ जाए तो आवेदक नहीं रहेगा। पर्याय का नाश होते द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, और ऐसा कभी तीन काल में होता नहीं है। तो कहते हैं कि वो पर्याय के अंदर में द्रव्य आता नहीं है। लक्ष्य द्रव्य का, श्रद्धान द्रव्य का, अहम द्रव्य का, और अनुभूति के अंदर में जो अनुभव में आ रहा है सो मैं हूँ, ये अभेद रूप अनुभव है। बिल्कुल भेद दिखता नहीं है, तो वहां पे भेद है नहीं, उसलिए नहीं दिखता। अनुभूति में भेद नहीं है, अनुभूति में तो जो अनुभव में आ रहा है सो मैं हूँ। कुछ एक हो नहीं जाता सब कुछ, क्योंकि ये तो ज्ञान का अपना खुद का बनाया हुआ विश्व है। बस वो ज्ञान के विश्व को ही ज्ञान भोगता है, ज्ञान का विश्व का ही ज्ञान को आनंद आता है। क्योंकि जो परेशानी थी वो विकल्प की वजह से, मन के आश्रय के वजह से, भेद के वजह से वो अभेद वस्तु को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जहाँ दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई, स्वभाव की सन्मुखता हुई, स्वभाव के अंदर में प्रसर गया, स्वभाव के साथ तादात्म्य हुआ, तो होते ही अभेद अनुभूति होती है, आनंद का वेदन आता है। बस जो अनुभव हो रहा है सो आत्मा है, सो मैं हूँ। और ऐसा जो आनंद जो है, ऐसी जो अनुभूति जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा द्रव्य को छूता नहीं। द्रव्य नहीं छूता तो नहीं छूता, हम भी तो एक समय की सत्ता है, क्यों छुए द्रव्य को? हमारे में क्या कमी है कि हमें बाहर से कुछ लेना पड़े? अपना खुद का साम्राज्य है, अपना खुद का विश्व है, अपनी खुद की अद्भुत से अद्भुत दुनिया है, जिसके अंदर में जैसा गायक कैसे गायक की अपने वीर्य से रचना की है, और जिस गायक की रचना की उसी गायक को अनुभूति में लेता है, आनंद का वेदन आता है। अपने में अपने से आनंद का वेदन आता है। गुरुदेव श्री से पूछा गया, प्रभु अनुभूति में जो आनंद आता है वह कहाँ से आता है? तो क्या पर्याय में आनंद पर्याय में से आता है, द्रव्य में से नहीं आता। प्रभु सुन ले एक बार इस महादेव गुरुदेव महान पुरुष पुरुषोत्तम पुरुष उत्कृष्ट पुरुष महामहिम पुरुष गुरुदेव श्री की बात। प्रभु किसी वाणी अद्भुत से अद्भुत वाणी सुधात्मा को क्षण मात्र में दृष्टि गोचर करा दे, ऐसी वाणी स्वभाव के पक्ष में ले जाए, और स्वभाव का पक्ष छुड़ाकर स्वभाव ही मैं हूँ ऐसी दृष्टि कराकर पक्षातिक्रांत करके हुए आत्मा की जो अनुभूति होती है, आनंद का वेदन होता है, वो आत्मा द्रव्य को छूता नहीं है। यहाँ ऐसा कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण यानी त्रिकाली द्रव्य वो जिसको नहीं है, वेदन में नहीं है, ऐसा कहते हैं। वेदन में तो पर्याय है, वेदन में द्रव्य नहीं है, वेदन में तो पर्याय, क्योंकि वेदन होता ही पर्याय का, द्रव्य का वेदन नहीं होता। लेकिन आलंबन पर्याय का नहीं होता, आलंबन द्रव्य का ही होता है। आलंबन द्रव्य का और वेदन पर्याय का, ज्ञान दो का, श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, समय एक। प्रभु ऐसी अद्भुत अनुभूति होती है, एक वक्त इस अनुभूति के विश्व को देख ले, ये अनुभूति आत्मा है। सूक्ष्म बात है भाई, भगवान तेरी लीला अलौकिक है। वो लोग कहते हैं कि ईश्वर की लीला, ईश्वर फिश्वर कोई करता फरता है नहीं, ये तो आत्मा की लीला की बात तो है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं ये आत्मा जो द्रव्य शुद्ध चैतन्य घन, उनकी श्रद्धा ज्ञान और वेदन आया, चारित्र में आनंद का वेदन आया, सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है,
सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र में स्वसंवेदन की उग्र दशा है, वह पर्याय है। क्या कहते हैं? आत्मा जो द्रव्य शुद्ध चैतन्य घन एक रूप वस्तु परम सत्ता स्वाभाविक सत्ता त्रिकाल सत्ता ध्रुव सत्ता महासत्ता ऐसी जो वस्तु जो है उनकी श्रद्धा, श्रद्धा किसकी? त्रिकाली की। ज्ञान और वेदन आया, त्रिकाली की श्रद्धा करते हुए ज्ञान और वेदन आया, ज्ञान के साथ वेदन होता है, ये दोनों अविनाभावी हैं। चरित्र में आनंद का वेदन है, सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है। चरित्र के अंदर में सम्यक दर्शन के अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है। अब सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र में स्वसंवेदन की उग्र दशा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र जो है वो वहाँ पर वेदन की आनंद के वेदन की उग्र दशा है, स्वसंवेदन की उग्र दशा है। स्व मन स्व सम मन प्रत्यक्ष वेदन मन वेदन जिनका प्रत्यक्ष वेदन होता है, जिसका असंख्यात प्रदेश के अंदर में वेदन होता है, जिसको अनुभूति होती है उसको पता चलता है कि अनुभूति हुई, ये आनंद से पता चलता है, ज्ञान के माध्यम से पता चलता है। बाकी तो अनंत गुण हैं, पता तो ज्ञान को ही चलता है, जानता ज्ञान है देखता ज्ञान है, बाकी तो सब गुरुदेव ने कहा ना दर्शन और ज्ञान चेतन और बाकी सब अचेतन है। लेकिन फिर भी वो पूरा विश्व है, वो आत्मा है, वो वस्तु है। अब ये स्वसंवेदन की उग्र दशा है, वो पर्याय है। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय में जो वेदन है वो पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं है, आनंद की पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं है। अनुभूति के अंदर में हुआ परिणामी, अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी, ये परिणामी हुआ, वो परिणामी द्रव्य अपरिणामी को छूता नहीं है, यानी वो परिणामी में त्रिकाली अपरिणामी आता नहीं है, आता है लेकिन आता नहीं है अनुभूति में, क्योंकि अनुभूति में आत्मा है तो है सब कुछ वहां पर और होते हुए भी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त अनुभूति हुई उस वक्त भेद विकल्प नहीं है, अनुभूति हुई उस समय आत्मा है, स्वयं है, मैं हूं, तो बस मैं हूं बस वही आत्मा है, और वो परिणाम परिणाम गए और मैं यूं का यूं रह गया, यूं का यूं रह गया तो अपरिणामी अपरिणामी ही रह गया, ज्यों का त्यों रह गया, परिणाम परिणाम गए, पता चला कि आनंद का वेदन आया था, आनंद हुआ था, पूरे असंख्य प्रदेश के अंदर में आनंद 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 शांति 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 था। अब वो परिणाम चले गए, विकल्प में आया तो परिणाम चले गए, लेकिन वस्तु यूँ की यूँ रह गई, परिणाम परिणाम गया और मैं यूँ का यूँ रह गया। अब ऐसी वस्तु मैं हूँ, ऐसी अपरिणामी वस्तु मैं हूँ, ऐसी ध्रुव वस्तु मैं हूँ, ऐसी चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसी ध्रुव सत्ता मैं हूँ, ऐसा दृष्टि का विषय परम परिणामिक भाव निर्विकल्प वस्तु, वो इतना महिमावंत पदार्थ है कि उसका लक्ष्य मात्र से, उसकी नज़र मात्र से, उसकी दृष्टि मात्र से मैं हूँ ऐसा होते ही परिणाम आत्मा है, वस्तु है, अनुभूति है, आनंद है। हाजी हाजी फरीद, जब अनुभूति होती है उस समय अपरिणामी और परिणाम ऐसा भेद विकल्प नहीं होता, वहाँ पे जो भी है वो आत्मा है, तो वो परिणामी है, अनुभूति के अंदर में परिणामी है, परिणाम अकेला नहीं, परिणाम प्लस अपरिणामी इज इक्वल टू परिणामी, तो परिणामी के अंदर में पूरी वस्तु है, पूरा आत्मा है, लेकिन जब अनुभूति से बाहर विकल्प में आता है तो परिणाम परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया, मैंने अपरिणामी वस्तु परिणाम में नहीं आई, उसका वेदन नहीं हुआ, लेकिन उसका ज्ञान आया, उनका सामर्थ्य आया, परिणाम के अंदर में उसका सामर्थ्य आया, उसका ज्ञान आया, द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान हुआ, अभेद रूप ज्ञान, भेद नहीं होता उसके अंदर में, अभेद अनुभूति होती है, और अभेद अनुभूति में जो आया स्व आत्मा, अब वो जब विकल्प में आता तो पता चलता कि वो तो आत्मा था, लेकिन आत्मा ने द्रव्य को नहीं स्पर्शा,
वो जो वेदन पर्याय के अंदर में हो उसमें पर्याय का वेदन था, पर्याय को पर्याय का वेदन था, पर्याय ने अपने रचे हुए ज्ञायक, वे रचे हुए ज्ञायक अपन उसलिए कहते हैं कि त्रिकाली परिणाम के अंदर में नहीं आया, उसलिए अपना रचा हुआ ज्ञायक। अनुभूति के अंदर में देखा जाए तो बस वो आत्मा है, वो स्वयं है, उसके अंदर में परिणाम और अपरिणामी ऐसा भेद नहीं है, भेद विकल्प नहीं है, उसके अंदर में पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु का ज्ञान है। श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, तब उसको अनुभूति कहते हैं। ऐसी अनुभूति तुझे प्रभु आज तक हुई नहीं, उसका यदि कारण देखा जाए तो क्या है कि तूने जैसी वस्तु है, जैसा त्रिकाल द्रव्य है, जैसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसा तूने माना ही नहीं प्रभु कभी। अब मैं अपरिणामी हूँ ऐसा माना ही नहीं, मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना ही नहीं, परमात्मा हूँ ऐसा माने तो तत्क्षण वो पर्याय स्वभाव तरफ झुक जाती है और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर लेती है, और अनुभव करने वाली पर्याय पर्याय नहीं है, वो परमात्मा है। अनुभव करने वाली पर्याय आत्मा आत्मा है, पर्याय नहीं है। पर्याय तो तब जब विकल्प के अंदर में आते हैं तब वो आनंद का वेदन चला गया और विकल्प उत्पन्न हो गया तो पता चलता परिणाम परिणाम गया। जिस वक्त पे अनुभूति है उस समय वो स्वयं है, वो आत्मा है, वो अपरिणामी परिणाम ऐसा कुछ भेद विकल्प नहीं है, वस्तु है, पूरी वस्तु है, वस्तु का अनुभवन है, वस्तु का वेदन है, स्वयं का वेदन है। तो यहाँ कहते हैं पर्याय में जो वेदन है वो पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं है, ये तो पहले आ गया था, लेकिन द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं। अब तो यहाँ कहते हैं शांति से बापा आ तो वितराग मार्ग है भाई, तृण लोकना ना जिनेन्द्र देव एणे कहलू क्या बीजे छे नहीं, एना मार्ग सिवाय क्या मार्ग छे ज नहीं, अने एना मार्ग शू छे एनी हजी वाड़ा में जन्मे एने पण खबर न मळे। क्या कहते हैं यहाँ, कहते हैं लिंग यानी कि प्रत्यभि ज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य वह जिसको नहीं है। देखिए अभी पर्याय जो है, पर्याय के अंदर में क्या है, यदि पर्याय को सत्ता कहा तो पर्याय का अपना खुद का विश्व होना चाहिए, और यदि उसका अपना खुद का विश्व न हो तो उसको सत्ता ही नहीं कहा जाएगा। यदि वो एक समय का चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती है बिल्कुल, और जब चक्रवर्ती है तो उसको किसी का आधार नहीं है, द्रव्य का आधार भी उस परिणाम को नहीं है, क्योंकि द्रव्य का आधार व्यवहार से कहा जाता है, लक्ष्य द्रव्य का है तो द्रव्य के कारण अनुभूति हुई ऐसा कहने में आता है, लेकिन सही में ऐसा होता तो आत्मा तो है अनादि से, अनादि से आत्मा है, क्यों लक्ष्य नहीं हुआ। यदि आत्मा के कारण अनुभूति हुई, अनुभूति का कारण यदि भगवान आत्मा है तो आत्मा तो अनादि से है, फिर आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हुई। तो उसलिए नहीं हुई कि वो नहीं होनी थी, उसलिए नहीं हुई। और पर्याय की अपनी स्वतंत्रता थी, पर्याय का अपना सत्यपना था, पर्याय का अपना अहेतुकपना था, पर्याय का अपना खुद का साम्राज्य था, उसके अपने साम्राज्य में अपनी योग्यता के रूप परिणमती हुई पर्याय को न पर पदार्थ राग रूप परिणमा सकता है, न स्वपदार्थ वितराग रूप परिणमा सकता है। वो परिणमती है तो अपनी स्वतंत्रता से परिणमती है, अपनी एक समय की सतता से परिणमती है, और वो जिस समय राग रूप परिणमती है उस समय वो सत है, वो बिल्कुल असत नहीं है उसमें कुछ भी, कि पर्याय का उस समय का वेश ही वो है। आश्रव रूप परिणमी है तो परिणमी आश्रव रूप, और आश्रव का उत्पाद नहीं होकर समर रूप परिणमी है तो अपने से समर रूप परिणमी है। आश्रव रूप पर पदार्थ के कारण राग के कारण पर पदार्थ के कारण आश्रव रूप नहीं परिणमी, और स्वपदार्थ के कारण और स्वर निर्जरा संवर निजरा रूप नहीं परिणमती, वो परिणमती है तो अपनी योग्यता से परिणमती। उनका कारण इस विश्व के अंदर में कोई है नहीं, उसका कोई कारण नहीं होने से परिणाम के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण परिणाम का परिणाम के अंदर में ही परिणाम के षटकारक होते हैं। उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई है नहीं, परिणाम का कर्ता कोई नहीं, परिणाम का कर्म कोई नहीं, वो तो पर्याय का निश्चय है। लेकिन अभी बात यह नहीं है, अभी बात यह है कि
जिसमें द्रव्य का लक्ष्य करके, श्रद्धान करके, ज्ञान करके, अहम करके फैलते हुए, स्वसन्मुख होते हुए जो अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की, वो आत्मा जिसमें आनंद का वेदन आया, वो आत्मा द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। ऐसी अद्भुत से अद्भुत बात है प्रभु, अनुभूति स्व आत्मा। अब अनुभूति में क्या है ये मत पूछो, बस उस समय तो आनंद का वेदन है, आनंद रस की गटागटी है, पूरी वस्तु है बस, क्योंकि दोनों का ज्ञान है उसके अंदर, उस अनुभूति के अंदर में। एक के श्रद्धान पूर्वक दो का ज्ञान होता अनुभूति के अंदर में एक समय में, द्रव्य पर्याय का पूरा ज्ञान होता है श्रद्धान, लेकिन एक का, अहम एक का, ज्ञान दो का, समय एक, ध्येय पूर्वक ज्ञेय जो होता है वो ऐसा होता है। लेकिन उसको परिणामी उस लिए कहा कि अपरिणामी उस परिणाम के अंदर में नहीं आता, लेकिन परिणामी उस लिए भी कहा कि अपरिणामी प्लस परिणाम उस अनुभूति में होता है, क्योंकि ज्ञान दोनों का, अपरिणामी और परिणाम दोनों का ज्ञान होता है, उसलिए वो है परिणामी। और उसका कर्ता कर्म, पर्याय कर्म और द्रव्य कर्ता ऐसा नहीं होता, परिणामी कर्ता और परिणामी कर्म होता है, स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म, स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म, बस वो स्वयं होता है, उसके अंदर में और कुछ नहीं होता। ऐसी अद्भुत वस्तु है, ऐसा अद्भुत वस्तु का स्वरूप है वो, ऐसी जो अनुभूति हुई सो अनुभूति सो आत्मा, अनुभूति आत्मा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, आनंद का वेदन जो हुआ सो आत्मा है, और वो आत्मा द्रव्य सामान्य को ग्रहण नहीं करता, अपरिणामी को ग्रहण नहीं करता, त्रिकाली द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, नहीं स्पर्शता माने नहीं ग्रहण करता, अलिंग ग्रहण। ये अनुभूति जो है वो अलिंग ग्रहण है। और अपन यदि पर्याय की स्वतंत्रता की बात करें, पर्याय का एक समय की क्रमबद्धता की बात करें, तो पर्याय अपनी योग्यता से ही तीनों काल परिणमती है, उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है, और जो उसका उत्पाद काल है वो उत्पाद काल है, जो उसका व्यय काल है वो व्यय काल है, उसके अंदर में आगे पीछे होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रभु एक बार तो परिणाम को परिणाम की व्यवस्था से जानकर, परिणाम को परिणाम की व्यवस्था को समझकर, उसका यथा तथ्य ज्ञान करके, परिणाम की व्यवस्था को समझते हुए द्रव्य के अंदर में जहाँ लक्ष्य गया, द्रव्य की जहाँ सन्मुखता हुई, द्रव्य में जहाँ अहम हुआ तो अनुभूति हुई, अभेद अनुभव हुआ, अभेद रूप अनुभव हुआ, स्वस्वरूप अनुभव हुआ, स्व नहीं आया लेकिन स्वस्वरूप अनुभव हुआ, अभेद नहीं आया त्रिकाल अभेद, लेकिन अभेद रूप अनुभूति हुई, दोनों का यथार्थ ज्ञान हुआ, दोनों जैसी वस्तु थी वैसी वस्तु अनुभूति में आई, ये अनुभूति, ये आनंद का वेदन, ये शांति का वेदन द्रव्य को नहीं छूता। भाई ये तो वेदन में आवेलो पर्याय, वो आत्मा अपनी शुद्ध पर्याय को वेदता है, वो द्रव्य को छूता नहीं है। भाई मार्ग तो क्या कहे, क्या कहा सुना, फिर से लिंग यानी के प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण, यानी कि त्रिकाली वस्तु, त्रिकाली ध्रुव सामान्य वस्तु, जो वर्तमान पर्याय बिना की वस्तु, अभी तो पर्याय क्या और द्रव्य का ये सब थोथा जैसा सुनने में आवे और उनका कुछ भान न मिले। यहाँ तो कहते हैं बापू दूसरी बातें हैं, भगवान क्या कहें, भगवान थवानी वक्ते भगवान कहते हैं, भगवान होने के बाद को भगवान कहते हैं, उसमें भी यहाँ तो ये कहते हैं कि भगवान जो पूर्ण स्वरूप है, ये जो वेदन में आया, भगवान जो पूर्ण स्वरूप है ये जो वेदन में आया, ये सामान्य वेदन में आवतू नथी। देखिए कौन वेदन में आया, भगवान जो पूर्ण स्वरूप है सो वेदन में आया, वह सामान्य वेदन में आता नहीं है। मैंने अनुभूति के अंदर में वो पूरा वेदन है, अनुभूति के अंदर में पूरा आत्मा है, लेकिन
सामान्य वेदन में नहीं आया। सुंदर बात है, अद्भुत अपना साम्राज्य है, अद्भुत अपना वैभव है। अपन इस वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखते हैं, उसलिए कठिन लगता है। वस्तु तो वस्तु मात्र है, निर्विकल्प वस्तु। अब जब अनुभूति निर्विकल्प है तो निर्विकल्प के अंदर में ये अपरिणामी और अपरिणाम ऐसा भेद विकल्प नहीं होता, क्योंकि अभेद अनुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति है, अभेद वस्तु है। जब निर्विकल्प अनुभूति है तो उसके अंदर में जो वेदन में आया सो ही आत्मा, माना वेदन स्व आत्मा, स्वसंवेदन स्व आत्मा, और वो स्वसंवेदन स्व आत्मा बस वो आत्मा है, वो आत्मा आत्मा है, बस वो आत्मा आत्मा है, अनुभूति आत्मा है, वेदन आत्मा है। फिर उस आत्मा के अंदर में क्या है ऐसा नहीं होता, वो अभेद अनुभूति होती है। लेकिन जब बाहर आता तब पता चलता विकल्प में आने पर कि वो परिणामी यानी कि आनंद का जो वेदन हुआ वो आत्मा द्रव्य को स्पर्शता नहीं है, द्रव्य का वेदन होता नहीं है, उस परिणाम के अंदर में द्रव्य आता नहीं है। द्रव्य तो जैसा है वैसा रहता है, अपरिणामी तो अपरिणामी रहता है, अपरिणामी परिणाम में आता नहीं है, लेकिन आता है। बस मस्ती इसी बात की है कि आता है, क्योंकि आनंद की मस्ती, अनुभव की मस्ती, स्वभाव की मस्ती में बस वो आत्मा है। लेकिन दृष्टि का विषय अपरिणामी का है और वो सुरक्षित नहीं रहे ऐसा भी हो नहीं सकता। अकारण कहे, अकर्ता कहे, अभोक्ता कहे, अवेदक कहे और परिणाम उसको वेदन कर ले, परिणाम उसको भोग ले, परिणाम उसमें से सुख को प्राप्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा हो तो अपरिणामी नहीं कहलाएगा। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का विधान है। जब वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखा जाता है तो अनुभूति आत्मा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आत्मा है, बस आत्मा है। बात इतनी सी है कि आत्मा है बस। जो वेदन में आया सो मैं, वेदन में आया सो आत्मा नहीं, वेदन में आया सो मैं, अनुभूति में आया सो मैं, बस मैं। और ऐसी वस्तु कि जहाँ अनुभूति हुई तो बस एक प्रतीति का जन्म हो गया, जो कभी भी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को नहीं छोड़ेगी। सतत धारावाही अप्रतियत धारा से उसकी कंटिन्यूटी निरंतरता रहेगी। फिर वो परिणाम बार में भी गया तो फिर तो विषय वो आ गया जो गुरुदेव का आज पूरा प्रवचन के अंदर में चला, कि ज्ञानी है वो राग को भोगता नहीं है। दिखता हो, दिखता है संसारिक प्रवृत्ति करते हुए, व्यापार आदि की प्रवृत्ति के अंदर में, घर काम करते हुए, लेकिन कहीं पे वो होता नहीं है, क्यों? अंदर से वो छूटा पड़ गया, बिल्कुल बिल्कुल छूटा पड़ गया। वो अकर्ता स्वभाव का कर्ता भाव देख लिया, परिणाम परिणाम का कर्ता है वो परिणाम स्वभाव से देख लिया, द्रव्य त्रिकाल आकर्ता अपने स्वभाव से देख लिया, और राग है वो तो जड़ भाव है, उसका स्पष्ट अनुभवन होने के पश्चात वो उसको भोगता ही नहीं है। जगत को दिखता कुछ है, ज्ञानी के अंदर में होता कुछ है। ज्ञानी का विश्व ही दूसरा होता है, जो विश्व जगत समझता है ऐसा ज्ञानी होता ही नहीं है, क्योंकि जगत को उनका चारित्र दिखता है, जबकि वो उसकी पवित्रता उनके ज्ञान श्रद्धा से है, जो दिखता नहीं है। तो स्वाभाविक व्यवस्था जो है वो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखते, त्रिकाली सामान्य द्रव्य को देखते, भगवान आत्मा की बात पूर्ण स्वरूप जो है वो जो वेदन में आया है ना, भगवान जो पूर्ण स्वरूप है यह जो वेदन में आया ये सामान्य वेदन में आता नहीं। ध्रुव जो चीज है, नित्यानंद प्रभु वो ध्रुव है, वो वेदन में आता नहीं है, वेदन में पर्याय आती है। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ परमेश्वर, उनका कहा हुआ मार्ग, संतो दिगंबर मुनियों अड़तिया होकर जगत को माल बेचते हैं, एक बार सुन तो सही प्रभु, तूने प्रभु ये बार एक बार भी ये बात को सुनी नहीं है, तू है कैसा, तू परम पवित्र, तू परम पूज्य, त्रिकाल त्रिलोकनाथ, तू स्वयं अपने हैं, तू अपने त्रिलोकनाथ को नहीं देखता प्रभु, एक बार त्रिलोकनाथ को देख, उसमें देखते ही द्रव्य दृष्टि होते ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा।
होना नहीं है, हो जाएगा। उत्पन्न नहीं करना, अकस्मात अनुभूति हो जाएगी। प्लान नहीं करना अकस्मात का। प्रश्न पूछते हैं कि अभी आप बोलते हैं कि सम्यक दर्शन अकस्मात से होता है, तो हमें अकस्मात का इंतजार करना क्या? प्रभु, अकस्मात का मतलब ही यह होता है कि दृष्टि द्रव्य पे रहती है और किसी की उसको परवाह नहीं होती है, निष्प्रह हो जाता परिणाम से। जब परिणाम से निष्प्रह हो जाता और दृष्टि द्रव्य पे जम जाती है, द्रव्य पे फैल जाती है, प्रसर जाती है, तादात्म्य हो जाती है, स्वसन्मुख हो जाती है, तो उसमें जो अनुभूति हुई वो अचानक अनुभूति होती है। वो प्लान्ड वे के अंदर, जैसे एक्सीडेंट प्लान्ड वे से नहीं हो सकता, ऐसे अनुभूति का प्लान करे और अनुभूति हो जाए, ऐसा तीन काल में प्रभु होता नहीं। और यदि ऐसा कोई समझता है तो इसी को पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। दृष्टि स्वभाव पे रहे और अनुभूति हो जाए, दृष्टि स्वभाव पे रहे और अनुभूति हो जाए, दृष्टि स्वभाव पे रहे और अनुभूति हो जाए, ऐसा अनुभूति का विधान है। इसलिए यह कहते हैं कि उसकी योग्यता के समय जब होना होगा तब अकस्मात ही, अकस्मात नहीं, जब होना होगा तब ही वो अनुभूति सहज स्वयं हो जाती है। उसको उत्पन्न किया नहीं जाता, वो उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। उनके अभिप्राय के अंदर में, उनकी दृष्टि में यदि द्रव्य है तो अनुभूति रुक नहीं सकती। प्रामाणिकता से, ईमानदारी से उसकी दृष्टि में द्रव्य होना चाहिए। आज तक उनकी दृष्टि में द्रव्य नहीं है, उसलिए अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति के लिए द्रव्य की दृष्टि नहीं करना, क्योंकि द्रव्य ही ऐसा है कि उसमें दृष्टि नहीं बसती, द्रव्य ही ऐसा है कि जिसमें श्रद्धा नहीं बसती, द्रव्य ही ऐसा है कि कोई परिणाम उसके अंदर में बस ही नहीं सकता। बस मैं हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धा न हो और अनुभूति न हो, ऐसा तीन काल में बनता नहीं है। प्रभु पूज्य बैंसरी कहती है, कुदरत एनी साथे बंधायेलू छे, चौद ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े जो एवं ना थाय। तो मैंने परम पवित्रता से यदि अपन अपन को त्रिव्य त्रिकाल ध्रुव परमात्मा सामान्य ध्रुव वस्तु समझे और परिणाम के अंदर में अनुभूति न हो, ऐसा नहीं होता नाथ। तो इसलिए अपन अपने स्वभाव की गरिमा को समझकर, स्वभाव के महात्म को समझकर, स्वभाव की वस्तु व्यवस्था को समझकर, स्वभाव की परिपूर्णता को समझकर, अनुभव में वो पूर्ण वस्तु आती है इस बात को समझकर, ज्ञान के अंदर में वस्तु की व्यवस्था को लेते हुए, श्रद्धा के अंदर में एकमात्र ध्रुव परमात्मा तत्व मैं हूँ ऐसा समझते हुए, ऐसा लक्ष्य करते हुए, ऐसा अहम करते हुए, ऐसा एकत्व करते हुए, अनुभूति सहज मात्र में प्रकट होती ही होती है। क्योंकि जहाँ अभिप्राय पलटा वहाँ पे कार्य होने में देर नहीं होती है। अभिप्राय के अंदर में ईमानदारी चाहिए, उसके अंदर में किंतु परंतु या कथनचित या किंचित या अनेकांत या स्यादवाद या प्रमाण ज्ञान, ऐसा कुछ लक्ष्य में रखकर यदि मैं परमात्मा हूँ ऐसा चिंतन मनन करता है तो अपने साथ वो छल कपट कर रहा है। उसका द्रव्य के अंदर में अहम नहीं है, और जब तक द्रव्य में अहम नहीं होता तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति बहुत सरल है, अनुभूति आत्मा है। आनंद का वेदन स्व आत्मा, वो कहता है कि मैं तो आनंद की मूर्ति हूँ। आनंद की मूर्ति हूँ तो आनंद बहने लगता है, शुद्धता की मूर्ति हूँ तो शुद्धता प्रकट हो जाती है, परिपूर्णता की मूर्ति हो तो परिपूर्णता प्रकट हो जाती है। सब कुछ अपने आप होने वाली व्यवस्था है। उसका लक्ष्य नहीं होता, उसकी दृष्टि नहीं होती, उसका अवलंबन नहीं होता, उसका आधार नहीं होता, उसका आश्रय नहीं होता। एकमात्र सर्वस्व ऐसा अपना त्रिकाली परमात्म तत्व जो है, उसी का आश्रय, उसी का अवलंबन, उसी की महासत्ता स्व मैं हूँ, वैसा निर्णय होते ही काम तो इस तरह से होगा जैसे ऑटोमेटिक फैक्ट्री में होता है। अनुभूति के लिए प्रयत्न किया नहीं जाता, उसलिए उसको सहज साध्य कहा गया। कि जहाँ श्रद्धेय तत्व हूँ, मैं हूँ ऐसा विश्वास हुआ तो श्रद्धा के परिणाम सम्यक रूप परिणमित हो जाते हैं। वस्तु जैसी है वैसी जाना कि मैं ज्ञायक हूँ, तो सम्यक ज्ञान का जन्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जन्म क्षण मात्र में हो जाता। प्रभु तो उसकी परवाह मत कर, तो वस्तु की व्यवस्था को समझ, वस्तु के स्वभाव को समझ, वस्तु के स्वभाव को समझते हुए स्वभाव में एकत्व कर, स्वभाव में अहम कर। ऐसा एक सुवर्ण युग है जहाँ पे वस्तु इतनी हद तक स्पष्ट है। अमरचंद्र आचार्य देव, गुरुदेव श्री कहते हैं कुनकुन आचार्य देव की एक गाथा में से 20 बोल निकाले अमरचंद्र आचार्य देव ने, और 20 बोल का 15 प्रवचन के अंदर में गुरुदेव श्री ने विवरण किया। मैंने एक एक बोल पर आप कह सकते हो कि एक या सवा बोल के ऊपर एक एक प्रवचन,
तो कितना गुरुदेव श्री ने खुला है हमारे लिए, हम आप सबके लिए, कि जहाँ पे वस्तु की सीधी नजर जा सकती है, गुण भेद से दृष्टि हट जाए, पर्याय से दृष्टि हट जाए, द्रव्य पे दृष्टि आ जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए और उस अनुभूति की द्रव्य को नहीं स्पर्शती, ऐसा ज्ञान भी बाहर में आवे विकल्प में तब पता चल जाता है। तो ऐसी अद्भुत से अद्भुत अनुभूति, और इस अनुभूति का आत्मा यानी अनुभूति स्व आत्मा, वेदन स्व आत्मा, वो मैं आत्मा हूँ। इसके अंदर में जीव को कोई हिचकिचाट नहीं होनी चाहिए, पर्याय को आत्मा कह दिया, प्रभु पर्याय ही आत्मा है, दिखती पर्याय है, जानती पर्याय है, वेदन पर्याय में, शांति पर्याय में, आनंद पर्याय में, पर्याय ही पर्याय का विश्व है प्रभु। लेकिन पर्याय में जब सर्व समर्पणता हो तब पर्याय का विश्व ज्ञान में आता है। सर्व समर्पणता होनी चाहिए द्रव्य में, ऐसी सर्व समर्पणता सब कोई की, पूज्य गुरुदेव श्री के संतानों की, द्रव्य मात्र में, वस्तु मात्र में, स्वभाव मात्र में, त्रिकाल मात्र में, ध्रुव मात्र में सहजपने हो, और सहजपने होते ही सबके परिणाम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सहज जन्म हो, इसी मंगल भावना के साथ।